हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो आज से मैं आपको टारगेट का स्टार्ट करने वाली हूँ। आरआरबी पीओ के एग्ज़ाम में और क्लर्क के एग्ज़ाम में केवल 20 डेज बाकी रह गए हैं। तो आज से मैं आपको टारगेट दूंगी कि नेक्स्ट 20 डेज आपको कैसे स्टार्ट करने हैं प्रिपरेशन को, कि आपका अच्छा स्कोर बन सके और रिवाइज हो सके। तो अब आपको क्या देना है, सबसे पहली चीज़, अब आपको कम से कम 8 आवर्स स्टडीज़ को देने हैं। फर्स्ट चीज़ ये, मिनिमम 8 घंटे आपको पढ़ाई में देने ही देने, चाहे आपका मन लगे चाहे ना लगे, लगाना पड़ेगा भाई। आखिरी 20 दिन आपको ऐसे। सेकेंड थिंग, अपने 8 आवर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, 4 आवर्स मैथ्स, 4 आवर रीजनिंग, ठीक है, ये डिवाइड हो गया। अब स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं मान के चल रही हूँ, आप 8 बजे उठे, 9 बजे से पढ़ने बैठे। जब 9 बजे से पढ़ते हैं तो पहले काम ये है कि भाई 9 से स्टार्ट करते हैं पढ़ना। सबसे पहले वो काम करना है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, वो है कैलकुलेशन का। पहले बैठो जैसे ही पढ़ने के लिए, पहले सारी टेबल्स लिखो एक बार, सारी, मतलब अगर आपको 1 से लेकर 20 तक टेबल्स आती हैं तो आप 20 तक टेबल्स लिखिए सारी, फटाफट से लिखिए। मुश्किल 10 मिनट लगेगा, 15 मिनट लग जाएगा। टेबल्स लिखिए, टेबल है लिख लिए, फटाफट से 1 से लेकर 50 तक स्क्वायर्स लिखो, फटाफट से लिखना चालू कर दीजिए। स्क्वायर्स लिखिए सब लोग, 15 से 20 मिनट उसमें लगेंगे। जैसे स्क्वायर्स लिख लिए, फिर क्यूब्स लिखिए, 20 तक क्यूब लेना चालू कीजिए, आपको 5 मिनट क्यूब्स लिखने में लगेगा। इतना काम हो गया हमने आज ही कैलकुलेशन कर लिए। फिर 5 मिनट दीजिए फ्रैक्शन टू परसेंटेज, जो टेबल जो आपको याद करवाई थी वो याद कीजिए, ये लिखा लिखना है आपको, सारा लिख लिया। हमारे कैलकुलेशन का जो काम था 1 घंटा हमने लगा, कैलकुलेशन में खत्म कर ली। हमारा थोड़ा सा मूड भी हो गया पढ़ने का, पढ़ने ऐसा मूड भी हो गया। उठते ही फोन नहीं चलाना है, केवल उठते ब्रश वगैरह करके कुछ खा पी के आराम से बैठना है, पढ़ने के लिए काम करना है। इतना काम हो गया, 2-1 कप चाय पी लीजिए, कोई बात नहीं। प्रॉपर रूटीन बताऊंगी मैं आपको। उसके बाद क्या करना है आपको, अब आपके अकॉर्डिंग है आपको क्या करना है, रीजनिंग चाहे मैथ्स उठा लीजिए, जैसा आपका मर्जी है। ऐसे मैं बात करती हूँ आपकी रीजनिंग की। रीजनिंग में क्या उठाओगे, सबसे पहले क्या करोगे आप, 5-10 क्वेश्चन लगाओ इनइक्वालिटी के, 10 ब्लड रिलेशन के, 10 लॉगिज्म के, 10 आपका अल्फाबेट के, सबके 10-10 सवाल लगाने हैं। ये बार रूटीन में रखना आपको, रेगुलरली 10 सवाल लगाने हैं। जैसे 10 क्वेश्चन लगा लिए, काम खत्म हुआ, 1-1 कप चाय पीजिए या फिर थोड़ा सा घूम लीजिए इधर उधर उड़ के, ठीक है। उसके बाद क्या करें, पजल का सॉल्व करना है, कम से कम 5 से 10 पजल लगानी है। आज के टाइम पे आपसे मैं मान के चलूंगी 10 पजल्स पर डे लगानी है आपको, 10 पजल्स पर डे लगानी है। तो रीजनिंग काम हमारा खत्म हो गया आज का। अब क्या करना है आपको, फिर मैथ्स को उठाना है। तो आज हम लेते हैं मैथ्स में 3 चीज़ आपको रेगुलरली करनी है, वो है 10 सिंप्लीफिकेशन, 10 क्वाड्रेटिक और 10 नंबर सीरीज, ये फिक्स है करना है। 10 सिंप्लीफिकेशन करना है, फिर 10 क्वाड्रेटिक और 10 आपका नंबर सीरीज होगी। इतना करने के बाद क्या करोगे, DI उठाओगे, कम से कम 5 DI रेगुलरली सॉल्व करनी है, रेगुलरली 5 DI सॉल्व करनी है नेक्स्ट 20 डेज तक, 5 DI सॉल्व करोगे, ठीक है। 5 DI को सॉल्व करने के बाद आप अर्थमेटिक का टॉपिक उठाओगे। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं टाइम एंड वर्क से, इजी क्वेश्चंस आते हैं। आज आपको टाइम एंड वर्क के कम से कम 50 सवाल लगाने, 50 से 100 सवाल कहाँ से लगाओगे, किरण की किताब से केवल। तो ये आज आपका टारगेट थे। रेगुलरली मैं आपको बताऊंगी कितना कितना को करना है, क्या क्या करना है। और एक बात ध्यान दीजिए, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, सिंप्लीफिकेशन अलग से कॉपी बना लीजिए, डेट वाइज आज की डेट ये सारा कुछ सॉल्व किया हमने, चाहे रफ सॉल्व करो कोई दिक्कत नहीं, पर डेट डालो भाई, आज के ये 2 पन्ने मैंने खराब किए इसको सॉल्व करने के लिए। रेगुलर डेट वाइज आपको याद रखना है और 20 डेज लगातार आपको यही काम करना है, ठीक है। तो ये आपका टारगेट था, आई होप आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो जितने भी साथी नए थे, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब, शेयर, लाइक का बटन जरूर दबाएगा। टेक केयर, बाय बाय।